गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज जो 7 है अवकलन वाली वो स्टार्ट करी की थी। इसी श्रृंखला में आपने 7.1 का जरा वो भलीभांति कर लिया है और कल हमने 7.2 प्रणाली उसको शुरू किया था। 7.2 में जो मैंने आपको बताया था कि अब आप प्रतिस्थापनी के द्वारा जो अवकलन है वह करना सीख रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में मैंने आपको कल प्रश्न 2 करवाए थे। अब उसमें आप प्रश्न संख्या 3 देखिए। देखो 3 के पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इसमें आ रहा है मेरे पास ए, पार्ट में आ रहा है कोस इनवर्स 4x³ - 3x, और आगे लिखा है कि एक्स बिलोंग करेगा 1/2 और 1 के साथ। ये पार्ट है। और इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √1+x/2, ये लिखा हुआ है और ये रूट इस पूरे के एक साथ ही लगा हुआ है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल में हल करने के लिए आपको सबसे पहले हम इसके पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो पहले पार्ट में हमारे पास क्या रहा है अभी, तो देखो तो इस पहले पार्ट में आपके पास क्या रहा है, तो पहले हम मान लेंगे इसको, माना वाई बराबर कॉस इनवर्स 4x³ - 3x। देखो मैंने आपको बताया था कि बाहर कॉस इनवर्स के अंदर आपका कॉस का कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, चाहे वो आपका कॉस 2 थीटा का बने चाहे कॉस 3 थीटा का बने। तो यहाँ पर देखिए आपका फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप कॉस एक्स को कॉस थीटा मान लें, अगर आप एक्स बराबर कॉस थीटा को कर दें तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है किसका, कॉस 3 थीटा का। तो वाई बराबर आएगा मेरे पास कॉस इनवर्स 4cos³ - 3cos³। अब इससे क्या होगा, वाई द्वारा सेम यहाँ पर कॉस इनवर्स, अभी मेरे पास आ गया कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, ये दोनों आपस में हो रहे कैंसिल और वाई बराबर आ गया मेरे पास 3 थीटा। अब देखो वाई बराबर 3 तो यहाँ पर सेम है, अब थीटा का मान आपको वापस फिर से क्या लिखना है, यहाँ से लिखना आपको कॉस इनवर्स। अब आप अभी तक आपने अवकलन नहीं किया, केवल आपने सरलीकरण किया है, अब आपको करना है अवकलन। तो आप लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास यहां पर रहेगा dy/dx, उधर देखो 3 तो कांस्टेंट है मेरे पास, और आपको किसका अवकलन करना है, cos इनवर्स x का, तो अवकलन आपको प्राप्त करना है। तो मेरे पास dy/dx का मान आ गया है 3, तो सेम इसको आता है माइनस में 1/√4 - x² और यानी मेरे पास जो dy/dx है उसका मान मेरे को प्राप्त हो गया -3/√1 - x². तो ये आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, इस पहले पार्ट का जो अवकलन है वो आपने प्राप्त कर लिया है। बच्चों इसी तरह इसका बी पार्ट देखिए, और बी पार्ट में आ रहा है मेरे पास cos इनवर्स √1+x/2। तो पहले आपने माना वैसे ही माना वाई बराबर कॉस इनवर्स √1+x/2। अब देखिए बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर आपको कॉस का फॉर्मूला बनेगा, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन इस सवाल में ऐसा कोई सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिल रहा है जिससे कि आप इसको पुट करने का फॉर्मूला बन जाए। तो मैंने आपको कहा कुछ इसके अलावा 4 बातें और कह रहा था, अगर कोई भी सवाल में मान लो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर आपको साइन थीटा आया कॉस थीटा पुट करना था किसको, एक्स को, और अगर आपके पास मान लो ये कंडीशन आती है तो एक्स को पुट करना आपको टेन थीटा आया कॉट थीटा। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जैसे रूट में मान लो x²-1 आ रहे तो आपको एक्स को पुट करना है sec थीटा या cosec थीटा। इसी तरह मैंने बताया था कि मान लो आपके पास 1+x आ रहे या मान लो 1-x आ रहे या मान लो दोनों ही एक साथ आ रहे, तो उस इन तीनों कंडीशन में आपको क्या करना है, एक्स को कोस थीटा या कोस 2 थीटा ही करना है। ये कंडीशन आई साइन थीटा या कोस थीटा, ये कंडीशन आई टेन या कोट थीटा, ये कंडीशन आई तो सेक या कोसेक थीटा, और अगर ये आ जाए इन दोनों में से एक साथ आ जाए तो आपको क्या करना है, कोस थीटा या कोस 2 थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो यहाँ पर कंडीशन आ रही है वो कौन सी आ रही है, इनमें से कंडीशन आ रही है, तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स बराबर कॉस थीटा या कॉस थीटा। तो ये चारों बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये आपके आगे बहुत सारे प्रश्नों में काम है
परसेंट की बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें आपने क्या पुट कर दिया, आपने पुट कर दिया x बराबर cos 2 थीटा का मुझे थीटा को तो बात ही दोनों का ही कर दो। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया कितना, y बराबर आ गया cos इनवर्स रूट में 1 प्लस cos थीटा। अब तो दो इसके रूट के अंदर ही नहीं बटा में आ रहा है दो। अब तो उसमें आगे गया आपको cos इनवर्स द्वारा सेम यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आपको cos का वह फॉर्मूला काम लेना है जिससे एक कट जाएगी। देखो आपने cos 2 थीटा के लिए तीन फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, एक होता है cos का थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos का थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तीन फॉर्मूले होते हैं। इसके अलावा आपका ये होता है 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी आपने किसका फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, इन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला काम लेके उनका प्रयोग करेंगे। तो उसमें आपके पास देखो अभी क्या रहे, सॉरी आपको समझ में आया cos 2 थीटा को ये होता आपका यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, मैंने गलती से स्क्वायर प्लस को ले दिया था, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस cos थीटा का वह फॉर्मूला लेना जिससे आपका एक कट जाए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर यानी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, जो ये तो कोण थीटा है उसका थीटा बटा आएगा और बटन क्या रहा है 2 आ रहा है मेरे पास। अब अगर उसको आगे सरल करके क्या है मेरे पास y बराबर आ रहा है cos इनवर्स, यहाँ पर एक से एक हो गया कट, दो से दो हो गया कट, और जो रूट में आ रहा है cos का थीटा 12 के क्या बन गया ये cos थीटा बाई 2 बन गया। अब इससे आपका cos इनवर्स कट रहा है, इससे y बराबर आ गया 1 बटा 2 इनटू थीटा, और y बराबर आ गया मेरे पास 1 बटा 2 इनटू थीटा का मान क्या लेना आपको, थीटा का मान वापस क्या लेना आपका cos इनवर्स x है वो आ जाएगा, और अब करना आपको x के सापेक्ष अवकलन करने का। और जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास यहाँ तो आ जाएगा डेल अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 2, और cos इनवर्स x का आपका अवकलन हो गया माइनस में 1 बटा रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और मेरे पास डेल अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गया भाई माइनस में 1 बटा 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपको क्या प्राप्त हो गया, इसका जो अवकलन है वो आपको प्राप्त हो गया है। तो ये था बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 3। अब आगे देखो प्रश्न संख्या 4। तो देखो बच्चों प्रश्न संख्या 4 का पहला पार्ट मेरे पास आ रहा है sec इनवर्स 1 बटा 2 x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले हम मानेंगे माना y बराबर आ गया मेरे पास sec इनवर्स 1 बटा 2 x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए आपको क्या करना है, भार sec इनवर्स अंदर को sec का फॉर्मूला बनाती है। अब sec का फॉर्मूला को ऐसे पढ़ेगा नहीं, लेकिन आपको पता है कि जो sec होता है वो cos का क्या होता है बिल्कुल, क्योंकि ऊपर तुम्हारे पास sec आ रहा है, नीचे कोई cos का फॉर्मूला बनाना चाहिए भाई, ये sec का पड़ेगा जो मेरे पास ऊपर 1 है। अब बटे में अगर मैं कोई cos का फॉर्मूला बना लूंगा तो ऊपर आएगा sec बन जाएगा। अब नीचे cos का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x को cos थीटा पुट करना पड़ेगा, यानी आपने पुट कर दिया x बराबर क्या cos थीटा, जिससे मेरे पास आ गया y बराबर sec इनवर्स 1 बटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब y बराबर मेरे पास क्या आएगा sec इनवर्स, और ये आप जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। अब इसको अगर आप ऊपर लाओगे तो आप जानते हैं कि cos और sec का व्युत्क्रम होता है, तो इसका मुझे तो ज्ञात sec 2 थीटा। अब दोनों कट हो रहे हैं, y बराबर आएगा मेरे पास 2 थीटा और y बराबर मेरे पास आएगा 2, तो ऐसे अब थीटा की जगह आपको क्या रखना है, ये रखना है cos इनवर्स x, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास cos इनवर्स x, और अब करना आपको ऐसे ही x के सापेक्ष अवकलन करने का। और जैसे आप अवकलन करोगे तो आपको यह प्राप्त होगा dy अपॉन dx बराबर 2, और यहाँ पर देखो मेरे पास cos इनवर्स x आ रहा है, तो इसको आपको क्या कर देगा माइनस में 1 बटा रूट 1 माइनस x से स्क्वायर। तो आपके पास जो dy अपॉन dx है उसका माना गया माइनस में 2 बटा रूट 1 माइनस x स्क्वायर, जो इसका बेमान है ना, यह आपका पहले से प्रश्न संख्या 2 का बी पार्ट आ चुका है, ये मैं आपको करवा चुका पहले से, उसको आप उसके हिसाब से कर लेना। अब उसके बाद अब आप 5 का पहला पार्ट देखिए, 5 नंबर प्रश्न का ये पार्ट, उसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स
वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये लिखा हुआ है, पहले आपको क्या करना, मानना वैसे माना वाई बराबर साइन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कोस इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स ये कोण आ रहा है और वो कोण आपका कोस के साथ आ रहा है, और आपने ये दो की प्रसारित फॉर्मूला पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स होता है, यानी अगर दोनों कोण समान होते हैं तो उसका मान क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, ये पता है पहले साहब ने। अब इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास वाई बराबर आएगा पाई बाय 2, इस पूरे का मान क्या होगा, मेरे पास पाई बाय 2 होगा। अब आप लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे यहां तो आएगा डिवाइड बाय dx, और आप जानते हैं एक कांस्टेंट राशि का जब आप अवकलन करते हो तो आपको अवकलन कितना प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है। ये आपने कर लिया प्रश्न संख्या पांचवे का पहला पार्ट, और जो पांचवे का दूसरा पार्ट है उसको देखो कैसे करना आपको अभी, तो उसको देखिए आप प्रश्न संख्या पांचवे का सेकेंड पार्ट। आपको पहले क्या करना है, इसको मानना है, माना वाई बराबर कॉस इनवर्स टू एक्स प्लस दो कॉस इनवर्स रूट बाय एक माइनस चार एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, आप इस कॉस इनवर्स को इस अंदर वाले से काटना है, तो सीधी सी बात है अगर मैं इस पूरे को कॉस थीटा मान लेता हूं तो वो कॉस से कट जाएगा, और यहां पर जो चार एक्स है इसको आप मान सकते हैं दो एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक बार आप ये स्टेटमेंट करेंगे वाई बराबर कॉस इनवर्स, ये तो चलो सेम आ रहा है, दो कॉस इनवर्स और इसको आप देखो एक माइनस दो एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं दो एक्स को पुट करूंगा, एक बार क्या पुट ए दो एक्स बराबर मैंने मान लिया कॉस थीटा, क्योंकि मेरे को इस कॉस को काटना है। अब मेरे पास वाई का मान क्या देगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस दो कॉस इनवर्स रूट में एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने दो एक्स को पूरे को कॉस माना है तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब जब इसको आगे संकलन करेगा मान, ये दोनों कट गए सीधे थीटा गया प्लस दो कॉस इनवर्स, अब देखो ये मान बनता है आपका किसका, साइन स्क्वायर थीटा का बनता है, और बारह के क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है, बारह का बन गया साइन थीटा। अब वाई बराबर आ रहा है पास थीटा प्लस दो कॉस इनवर्स, और इसको आप कॉस इनवर्स को काट देना तो इसको आप दोगे कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा। अब ऐसा करने से क्या होगा, जो कॉस और कॉस इनवर्स कट हो गया और मेरे पास आगे वाई बराबर थीटा प्लस दो, अब देखो अंदर मेरे पास आ रहा है पाई बाय टू माइनस थीटा है। अब देखो जैसे आप इसको आगे सरल करोगे तो आपके पास आएगा वाई बराबर थीटा प्लस पाई माइनस दो थीटा, क्योंकि दो अंदर गुणा करोगे ना, और वाई का मान आएगा मेरे पास कितना पाई माइनस थीटा। अब वाई का देखो मेरे पास मान क्या जाएगा पाई माइनस, और थीटा का मान आपको वापस क्या लेना है, यहाँ से देखा कोस इनवर्स दो एक्स आएगा कोस इनवर्स दो एक्स। अब बदलाव कैसे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का, और जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास क्या कंडीशन आएगी, यहां तो आएगा डीवाई बाय डीएक्स और पाई एक्स का जीरो हो गया माइनस में। अब पहले आपको कोस इनवर्स का फंडा दिया आपका थीटा है, और कोस इनवर्स एक्स का होता है माइनस में एक बटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप लिखोगे तो यहाँ पे प्लस हो गया अपना भी एक बटा रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी चार एक्स स्क्वायर। अब इस अंदर वाले का दोबारा से करना आपको, तो दो एक्स का हो गया कितना दो हो गया, और मेरे पास क्या आ गया जो डीवाई बाय डीएक्स है उसकी वैल्यू आ गई दो बटा रूट में एक माइनस चार एक्स स्क्वायर। तो ये आपने इस प्रश्न का जो अवकलन है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब इसी तरह देखिए आप अगला नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न उसमें क्या रहा हमारे पास, देखो छठे के पहले पार्ट में हमारे पास
tan इनवर्स a plus x बटा 1 minus kx। तो सबसे पहले आपने हमारे माना y बराबर आ रहा है पास tan इनवर्स a plus x बटा 1 minus kx। अब आपको करना क्या है, देखो बाहर tan इनवर्स और अंदर को tan का फॉर्मूला बनना चाहिए। अब ये फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे आप, अगर ये मान लो मेरे पास tan a हो, ये tan b हो और 1 minus tan a tan b, तो फॉर्मूला बटा tan a तो सीधा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उन दोनों को tan की फॉर्म में मानना पड़ेगा। तो पहले आपको तो पता है क्या, a को तो बदलो आप tan थीटा को और x को बदलो आप tan अल्फा। अब इससे y का मान आएगा मेरे पास tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan अल्फा और बटे में आ रहा है 1 माइनस tan थीटा और tan अल्फा, ये आ गया मेरे पास। अब y का मान आएगा tan इनवर्स, यहां पर देखो मेरे पास ये tan a plus a का बन रहा है फॉर्मूला, तो आप लिखोगे tan थीटा प्लस अल्फा, ये हमने इसका फॉर्मूला बना दिया। अभी सेकंड हो रहा है और y का आएगा मेरे पास थीटा प्लस अल्फा। अब देखो थीटा और अल्फा का मान फिर से आपको वापस लिखना है, थीटा का मान तो क्या मेरे पास tan इनवर्स a हो गया और जो अल्फा है उसका मान हो गया मेरे पास tan इनवर्स x। अब देखना आपको x के सापेक्ष अवकलन करने का, और जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास यहां पर जाएगा डिवाइड बाय dx, और जब आप इसका अवकलन करते हैं तो आपका मान क्या रहेगा, जीरो आ जाएगा और इसका आ गया 1 + x स्क्वायर। तो मेरे पास जो डिवाइड बाय dx है वो मेरे को क्या प्राप्त हो गया, 1 / 1 + x स्क्वायर, ये मेरे को प्राप्त हो गया। इसी तरह बच्चों आप इसका बी पार्ट देखिए, देखो इसके बी पार्ट में लिखा हुआ है यानी tan इनवर्स 2 की पावर x + 1 बटा में 1 - 4 की पावर x। देखो ये प्रश्न आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको वही करना अपना कार्य, इन माने आप माना y बराबर tan इनवर्स 2 की पावर x + 1 और 1 माइनस 4 की पावर एक्स। अब देखो थोड़ा सा आप लोग इसको क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, ये tan इनवर्स द्वारा से इसको मैंने 2 की पावर एक्स को लेकर 2 की पावर 1 में एल लिख दिया है, 1 माइनस इसको मैं क्या मान लूंगा, 2 की पावर जो एक्स है उसका मैं होल स्क्वायर इसको मान लूंगा, समझ में। अरे देखो इसे 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास 2 की पावर एक्स इनटू 2 की पावर x हो गया ना। अब इसको चाहो तो मैं ऐसे लिख दूंगा यानी 2 / 2 की और पावर x लिख सकता हूं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहो तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2 की पावर x + x यानी 2 की पावर 2x। तो इसको आप चाहे 4 की पावर x लिखो चाहे 2 की पावर 2x लिखो, इन दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि अब इससे अगर आपको ये लाना है तो आप इसको क्या करोगे, जैसे आप बताए जैसे a की पावर n होती है तो इसका मतलब एक बार है और पावर है या एक बार है और पावर है, ये हो सकता है। तो इसी तरह से अगर आपके पास मान लो 2 के पास 2 एक्स बढ़ रही है तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 के पास पहले आप इसको 2 के पास एक्स का और पावर 2 कर दो, ये इसको आप क्या कर दोगे 2 की पावर 2 का और पावर एक्स कर दो, तो ये बढ़ता है मतलब 4 पावर एक्स, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रकार से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि 4 पावर एक्स को आप 2 पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये मैंने आपको समझा दिया है। 2 के पावर एक्स का होल स्क्वायर मतलब 2 के पावर एक्स 2 के पावर एक्स, और अब देखो इसके दो वे हो गए आपके पास, या तो आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे या इसको इस फॉर्म में लिखोगे, यानी या तो आप a की पावर n हो गया आपकी और b की पावर क्या होगी m, तो ab की पावर क्या आएगी m आएगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपके लिए a की पावर m है और a की पावर n है तो a की पावर क्या आ गई m + n, ऐसे मान सकते आप, तो किसी भी तरह से आप इसको लिख सकते हो, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है। अब देखो आप आगे, अब अगली प्रक्रिया में क्या करना, आपको y बराबर मेरे पास आ रहा है tan इनवर्स इस 2 के पावर 1 का प्लस दो यहां पर 2 * 2 के पावर x और बटे मारा मेरे पास 1 - 2 के पावर x का होल स्क्वायर। अब देखो आप जानते हैं कि अगर मैं इस 2 की पावर x को अगर tan थीटा मान लेता हूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला पड़ रहा है किसका, tan थीटा, कैसे मैंने पुट कर दिया 2 की पावर x बराबर tan थीटा,
जिससे मेरे पास समय बराबर आ गया टेन इनवर्स टू टेन थीटा प्रति वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वाई बराबर मेरे पास क्या होगा टेन इनवर्स ये टू टेन थीटा बटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, तो आप इसको क्या लिखोगे टेन टू थीटा, दोनों कट हो गए आपस में और वाई बराबर आ गया मेरे पास दो थीटा। अब वाई द्वारा सेम यहाँ पर दो है तो थीटा का नाम वापस क्या लिखूंगा थीटा का नाम वापस में टेन इनवर्स टू के पास लिखूंगा टेन इनवर्स टू की पावर प्लस, और आपको वैसे करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का, और जैसे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ तो आएगा मेरे पास डी अपॉन डी एक्स बराबर दो तो कॉन्स्टेंट है। अब देखो इस प्रश्न में देखो आपका ये एक ही फलन आ रही है टेन इनवर्स अलग नहीं है क्योंकि इसकी वजह इसका अस्तित्व नहीं है, जब ये एक ही फलन तो आपको सिंपल से रूल लगाना पड़ेगा इसका टेन इनवर्स थीटा का लगाना पड़ेगा जो क्या होता है आपका वन बटा वन प्लस थीटा स्क्वायर, क्या इसको टेन इनवर्स एक्स मान लो तो वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले आपका मान क्या आएगा वन बटा वन प्लस एक्स का मतलब क्या है टू के बार एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो आ गया दो से टेन इनवर्स एक्स का हो गया एक बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका दोबारा करना है टू की पावर एक्स का, और यहाँ पर आपका रूल कौन सा लागू होगा ए की पावर एक्स का लागू होगा, तो ए की पावर एक्स क्या होता है ए की पावर एक्स लॉग ए होता है, और अब आप इसको क्या लिखोगे साथ में यानी डिवाइड बाय एक्स का तो मान हमारे पास है देखो दो तो बड़ा ही अलग पहले से देखो इस दो की घात एक है इसकी घात कितनी एक्स है इसको आप लिखोगे दो की पावर एक्स प्लस ए करोगे और इनटू मेरे पास सारा लॉग दो और बटे क्या आ रहा है मेरे पास जो बटे वाला बार है मेरे पास वो आ रहा है एक प्लस चार की पावर एक्स, इसको वापस आप ऐसे करोगे चार की पावर एक्स, मैं आपको समझा चुका ये दो की पावर एक्स का होल स्क्वायर और चार की पावर एक्स कैसे बनता है, तो इसको मैंने आपको वैसे बताया था उस तरह से वापस क्या हो गया आपका वही मान वापस आ गया तो शुरुआत में था, तो इस तरह से क्या करना आपको इसका अवकलन आपको प्राप्त करना है। तो यह था बच्चों हमारा प्रश्न संख्या छः। अब देखो आप आगे प्रश्न संख्या सात, तो पहले बच्चों प्रश्न संख्या सात के पहले काट हमारे पास क्या है ये आ रहा है साइन दो टेन इनवर्स रूट में वन माइनस एक्स बटा रूट में वन प्लस एक्स, ये आपको दिया है, तो पहला काम आपको ऐसे मानना है माना वाई बराबर साइन दो टेन इनवर्स रूट में वन माइनस एक्स बटा वन प्लस एक्स, ये आ रहा है। और देखो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कुछ चार बातें टाइप की कि अगर आपके पास रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना होता है, अगर आपको रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर दे तो आपको टेन थीटा या कॉस थीटा पुट करना होता है, अगर आपको रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन दे तो आपको सेक थीटा या कोसेक थीटा पुट करना होता है। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि रूट में वन प्लस एक्स या वन माइनस एक्स या दोनों एक साथ आए तो उसमें आपको क्या मानना है एक्स को कॉस थीटा मानना है या कॉस टू थीटा मानना है, तो मान लो दोनों समान होने से ना की तो आप क्या करोगे पुट करोगे आप एक्स बराबर कॉस थीटा, और जैसे आप इसको पुट करें तो हमारे मान आएगा मेरे पास साइन फिर दो टेन इनवर्स, अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा, अब आगे क्या करोगे आप देखो वाई बराबर साइन ये टू टेन इनवर्स द्वारा बिल्कुल सेम पहले से का, अब इसमें आपको कोस का वह फॉर्मूला काम लेना है किसका कोस टू थीटा का जिससे आपका ये कट जाए, तो देखो आप यहाँ देखोगे वन अब यहाँ पर कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या कौन सा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन कौन आता रहेगा थीटा बाई टू आएगा कि थीटा यहाँ पर, इसी तरह आप नीचे लगाओगे इसमें तो वन प्लस यहाँ लगाओगे आप कितना टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इसका भी कौन आता गया थीटा बाई टू, अब इससे क्या होगा एक से एक कट रहा है एक से एक कट रहा है कट गया सर, अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस का दो और दो से दो क्या कट गया, तो मेरे पास आ गया वाई बराबर साइन यहाँ पर टू टेन इनवर्स और यहाँ रूट में मेरे पास क्या गया है साइन स्क्वायर थीटा बटे और बटे वाला कोस स्क्वायर थीटा बटे दो, तो ये मान आपका हो गया टेन स्क्वायर थीटा बटे दो और बाहर आगे क्या बचा गया ये टेन थीटा बटे दो, अब टेन से टेन थीटा कट रहा आपका और वाई बराबर आगे मेरे पास साइन अब यहाँ पर टू तो है ही तुम्हारा थीटा बटा दो, दो से दो कट दिया अपने से
और वाई बराबर आ गया मेरे पास कितना साइन थीटा, लेकिन थीटा तो आपको क्या आ जाएगा वापस कॉस इनवर्स से एक्स, तो आपने लिया वाई बराबर साइन कॉस इनवर्स एक्स। तो ये तो आपने मान अपना किस पर में बदली है, एक सिंपल पर में आप इसको लेंगे आगे। अब अगर आप चाहें तो इसको आगे थोड़ा और भी सरल कर लो भाई, जैसे मान लो मेरे पास ये साइन थीटा है, एक बार बोले थीटा है, और आपको क्या करना है इसको कोस थीटा के फॉर्म में लिखना है, तो इसको आप कैसे लिखोगे जो आपको पता है कैसे लिखना है भैया, तो आप इसको बना लो साइन इनवर्स एक्स, और अगर आप इसको नहीं पता तो भी कोई आप सीधा इसका अपना बताओ, तो इसको डायरेक्ट कर लो आप, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अब जैसे आप अवकलन करोगे तो इधर तो आएगा आपका मान डी अपॉन डी एक्स। अब देखो ये आपका मान एक बार क्या है साइन थीटा, क्योंकि एक गुणा नहीं करो एक गुणा ना, क्योंकि इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है साइन का, तो साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो आपने लिया कॉस और थीटा का मान आ रहा है कॉस इनवर्स है, ये तो आपका हो गया साइन थीटा का क्या हो गया कॉस थीटा। अब अंदर वाले का दोबारा क्या इसका कॉस इनवर्स का, और कॉस इनवर्स एक्स का था माइनस में एक बटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट हो रहे हैं आपस में, और डिवाइड बाय डेक्स का मान आ गया मेरे पास माइनस एक्स बटा रूट में एक माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसका जो अवकलन वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब आप देखो आगे नेक्स्ट अगला प्रश्न, तो देखो अगला जो प्रश्न आपका है इसमें आ रहा है मेरे पास कितना कॉट इनवर्स रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स, ये आपका अलग से लिखा हुआ नहीं, आगे वाला आपका अलग से लिखा हुआ के अंदर लिखा हुआ है। अब देखो पहला काम क्या करना, आपको मानना वैसे माना y बराबर है मेरे पास कॉट इनवर्स रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स। अब देखिए क्या करना आपको, मैंने तो शर्तें बता रही थी, शर्तों का आपको बदल करना है, यानी एक्स को क्या करना आपको टेन थीटा, तो आप उस कर क्या एक्स बराबर टेन थीटा, तो आपने यहाँ पर कर दिया है एक्स बराबर टेन थीटा, जिसे वाई का मान मेरे पास कितना कोट इनवर्स फिर रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर भी आ रहा है थीटा। अब वाई का मान मेरे पास कोट इनवर्स ये सेक्स का थीटा हो गया बारह के क्या बताएगा ये सेक थीटा और प्लस क्या रहा है टेन थीटा। अब वाई बराबर आ गया मेरे पास कोट इनवर्स, इनको आप साइन कोस से बदल लो एक बटा कोस थीटा प्लस साइन बटा कोस थीटा। अब उसके बाद क्या रहेगा हमारा आपका ये कोट इनवर्स तो रहेगा सेम, यहाँ पर आकर कोस थीटा लगता हूँ एक प्लस साइन थीटा, ठीक है आप इसको यहाँ तक लिखिए इस तरह से। अब देखिए आपको करना क्या है, वाई बराबर मेरे पास आ रहा है कोट इनवर्स तो सेम आ रहा है, क्योंकि अभी तक देखो कॉस होता तो आप उसमें एक को काटने वाला फॉर्मूला लगता है, लेकिन साइन अगर साइन के पास ऐसा फॉर्मूला लिया तो उससे आपका एक कट जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम साइन को थीटा फॉर्मूला करेंगे, यहाँ पर देखो हमें कितना साइन स्क्वायर थीटा बटे दो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे दो और यहाँ पर आएगा मेरे पास टू साइन थीटा बाई टू बटे कॉस थीटा बाई टू, यानी मैंने यहाँ पर साइन टू थीटा का लगाया फॉर्मूला और इसका मान मैंने एक के हिसाब से दिया साइंस का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कोण आता इसे लिखा था क्योंकि ये मान क्या था रहा था स्ट्रेट कोण आता था, नीचे वाला मान आपका लगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई दोनों लगा दिया। अब देखो वाई बराबर मेरे पास आ गया कोट इनवर्स, अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये फॉर्मूला बन रहा था, तो इसको आप क्या बना देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू इसका होली स्क्वायर बन गया, और नीचे वाला देखो मान क्या रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मेरे पास आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा ए माइनस बी। अब देखो इसको आगे कैसे करना है, ऊपर वाला मान क्या रहा मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे आ गया मेरे पास ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो तो ए ब्रैकेट होने के बाद कैसे कट जाएगा इसका कट हो गया ना, और वाई बराबर आ गया मेरे पास कॉट इनवर्स और ये हाथों आ रहा है मेरे पास कोस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई और बटे वाले मान में आ रहा है मेरे पास कोस थीटा बाई टू
माइनस साइन थीटा बाई 2। अब देखिए इस प्रॉब्लम क्या करना आपको, या तो आपको एक कॉस का फार्मूला बनाना इसके अंदर, और अगर आप क्या चाहो तो आप साइन का फार्मूला इसमें बना सकते हैं, सॉरी टेन का फार्मूला इसमें बना सकते हैं। अगर आपको कोट का फार्मूला ध्यान में है तो कोट का बना लो, अन्यथा आप इसका बना लेंगे, इसमें टेन का जो फार्मूला है वो आप प्राप्त कर लेंगे। तो देखो जब आप टेन का फार्मूला इसमें प्राप्त करते हो तो आपके पास मान क्या जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इसको टेन का फार्मूला बना लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अंश है हर में साइन थीटा बाई टू का, सॉरी कॉस थीटा बाई टू का भाग दे देगा, और आप कोट का बना तो आप लगा देंगे साइन का, ठीक है ना, साइन थीटा बाई टू, जिसे मेरे पास आएगा वाई बराबर कोट इनवर्स। अब एक कॉस थीटा बाई टू का अंश और दोनों भाग लगाओ आप, तो इसमें भाग गया आपका एक बार, और वहां पर आ गया मेरे पास टेन थीटा बाई टू, ऐसे इसे भाग एक बार और यहाँ पर आ गया मेरे पास टेन थीटा बाई टू, यानी आपने अंश और हर दोनों में आपने कॉस थीटा बाई टू का भाग लगा दिया है, जिससे इसमें भाग गया एक बार, ये बन गया टेन थीटा बाई टू भाग एक बार और टेन थीटा बाई टू। अब देखो वाई बराबर है मेरे पास कोट इनवर्स, अब इस एक को मैं लिख दूंगा टेन बाई कोट इनवर्स, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लिखने पर, आप जानते हैं इसका मानी होता है, यहाँ पर भी एक माइनस ये टेन बाई कोट, इसको आप टेन थीटा बाई टू लिख दोगे। अब वाई बराबर आ गया मेरे पास कोट इनवर्स, ये देखो टेन ए प्लस बी का मतलब मेरे पास का फॉर्मूला, तो टेन बाई फोर प्लस थीटा बाई। अब इन दोनों को आप इससे तो काटना ना कोई, लेकिन देखो अंदर हमारे पास ज्यादा लेकिन बाहर जा रहा है कोट इनवर्स आ रहा है, इसलिए आप इसको सीधा नहीं काट पाएंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले टेन को आपको कोट बनाना पड़ेगा, तो इसका लोगे कोट पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि ये टेन थीटा है वालों पर थीटा ही है, तो कोट पाई बाई टू माइनस थीटा, अरे होता है ऐसे कोट पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा। तो इसी तरह मैंने इस टेन को मैंने क्या लिख दिया कोट पाई बाई टू माइनस थीटा, पहले पॉइंट में प्लस होते हैं सारे, तो ये थीटा बना लेना कोट पाई बाई टू माइनस थीटा। अब इससे क्या होगा, दोनों यहाँ से एक कर सीधे, और वाई बराबर मेरे पास क्या आ गया पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर और माइनस थीटा वाई, और वाई बराबर आ गया मेरे पास पाई बाई फोर माइनस थीटा वाई, तो पाई बाई टू माइनस फोर हो गया क्या गया पाई बाई फोर। अब देखो उसके बाद में क्या करूँ आपको, वाई बराबर देखो पाई बाई फोर तो यहाँ पर सेम नहीं माइनस एक बटा दो, अब थीटा का मान आपको वापस क्या लेकर आना है, थीटा का मान आपको शुरुआत में जाना था वहाँ से टेन इनवर्स करेगा, यानी टेन इनवर्स एक्स, पर आपको वैसे करना था एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो आप लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो देखो जैसे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पर मेरे पास मान डिवाइड बाई डी एक्स, यानी बाय एक्स का मान तो मेरे क्या प्राप्त हो गया है डिवाइड बाय डी एक्स, और जो बाय एक्स में इस पाई बाई फोर का जो जीरो हो गया उत्तर बन जाएगा माइनस एक बटा दो आ गया कॉस थीटा का। अब देखो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, आप जानते हैं इसका होता है एक बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास जो डिवाइड बाय डी एक्स है उसका मान है मेरे पास माइनस एक बटा दो वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपने इस पद का क्या कर दिया है अवकलन कर लिया है। तो प्यारे बच्चों ये तो होती है आपके 7.2 कंप्लीट, और आज हम 7.3 देखो शुरू कर रहे हैं। तो देखो बच्चों हम पढ़ रहे हैं 7.3, और देखो 7.3 का जो पहला प्रश्न हमारा उसको देखो आप, देखो इनमें सारे प्रश्नों में आपको दो पार्ट दिए गए, पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, पहले के 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई, देखो ये प्रश्नावली ऐसी है जिसमें आपको दिए गए फलन को y के बराबर नहीं मानना है, क्योंकि जिस प्रश्न में बराबर का साइन पहले से लगा हुआ जाए उसका मतलब आपको उसको y के बराबर नहीं मानना है। तो देखो यहाँ पहले से बराबर आ रहा तो सीधा क्या करना है इसका आपको अवकलन, यानी आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ध्यान देना
आपको लिखना है डिवाइड बाय dx किसका, एक तो 2x का कर रहे हो आप, एक आप किसका कर रहे हो 3y का, एक आप किसका कर रहे हो sin y का। तो देखो इस 2x में देखो 2 तो आकर कांस्टेंट बात वाले से और x का क्या रहता है अपना, देखो 1 होता है x का, x के सापेक्ष क्या रहता है 1 होता है। इसी तरह ध्यान रखना जब y का आप x के सापेक्ष करोगे ना तो 1 नहीं होता है, तब उसको होता है डिवाइड बाय dx, पर अगर आप y का y के सापेक्ष करते हो तब क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। अब याद रखिए ये तीन तो आ रहे कांस्टेंट, अब y है, y का करना है x के सापेक्ष तो क्या रहेगा डिवाइड बटा dx, ये बात आपको ध्यान रखनी है। x का x के सापेक्ष 1 होता है, y का y के सापेक्ष 1 होता है, लेकिन y का x के सापेक्ष 1 नहीं होता है, y का x के सापेक्ष 1 नहीं होता है और x का y के सापेक्ष 1 नहीं होता है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब याद रखो sin y है, sin का मतलब क्या होता है cos y, लेकिन जब आप उस y का दोबारा करोगे तो एक वैसे क्योंकि अगर यहां पर x होता तो होता लेकिन y तो क्या आपका dy / dx ये हो जाएगा। अब देखो यहां पर मेरे पास आ रहा है 2 + 3 dy / dx बराबर आ रहा है cos y dy / dx। अब आपको जो dy / dx है वो सारे मान आपको एक जगह इकट्ठे करने हैं, तो इसको मैं उधर लेता हूं, तो 2 बराबर आ गया cos y dy / dx माइनस 3 डिवाइड बाय डीएक्स, तो 2 बराबर मेरे पास आ गया डिवाइड बाय डीएक्स, बात को बना गया इसमें से cos y माइनस 3। अब आप इसको इसके बाद में लियो तो 2 बटा cos y माइनस 3 बराबर आ गया dy बटा dx। इसका मतलब जो आपको डिवाइड बाय डीएक्स वो कितना प्राप्त हो गया है, ये आपको प्राप्त हो गया 2 बटा cos y माइनस 3, यह आपको इस तरह से प्राप्त हो गया है। इसी तरह आप इसमें चलो एक बार और देखो, जैसे आपका इसमें b पार्ट आ रहा है, सिंपल लेगा b पार्ट आ रहा है, b पार्ट में मेरे पास x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बराबर मेरे पास आ रहा है 200। तो देखो अब 200 देर का तो आप क्या करेंगे, वैसे लिखना आपको क्यों बराबर तो मानने के बराबर दे रखा है, पहले आपको सीधा लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने का, तो इसका मतलब आप यहां जाओगे x के लिए तो आप dy / dx किसका कर रहे हो आप स्क्वायर का, इसी तरह आप किसका कर रहे हो आप x y का, और आप किसका अवकलन कर रहे हो y स्क्वायर का, और आप किसका अवकलन कर रहे हो 200 का। अब देखो ये x स्क्वायर तो इसमें आपने x की बात एंड कर लिया, क्या लेगा 2x होगा, फिर x का वैल्यू हो गया। अब इसमें आपका एक चर या एक चर ये दो चर हो गए, तो इसमें आपको u dot v का लगाना पड़ेगा, पहले x आ गया कांस्टेंट और y का हो गया डिवाइड बाय dx, फिर y आया कांस्टेंट और x का हो गया 1 प्लस। अब देखो ये y स्क्वायर का पहले इसमें आपने x की घात n का रूल लगाया तो क्या होगा मेरे पास, तो y हो गया, अब y का दोबारा क्या हो गया आपका डिवाइड बाय dx और अचर राशि का क्या होगा अपना आपका 0 हो गया। अब देखो मान आ गया 2x plus x डिवाइड बाय dx plus y plus 2y डिवाइड बाय dx बराबर मेरे पास क्या रहा है 0। अब आपको क्या करना है डिवाइड बाय dx को तो ये रखना है और जो बिना डिवाइड बाय dx के है तो सबको उधर भेजना है, तो मेरे पास आ गया x डिवाइड बाय dx plus y 2y डिवाइड बाय dx, उधर आ रहा है मेरे पास माइनस का 2x plus y क्योंकि इन दोनों का उधर लेके आ गया। अब जब आपने यहाँ पर डिवाइड बाय dx कॉमन लिया तो आपका मान आएगा x plus 2y उधर आ रहा माइनस का 2x plus y और डिवाइड बाय dx का मान आ गया मेरे पास कितना माइनस में 2x plus y बटा x plus 2y, तो ये आपका क्या आ गया उधर का मान आ गया, यानी डिवाइड बाय dx से वो माइनस में आ गया 2x plus y बटा x plus 2y। ये इस तरह से आपको जो अवकलन प्राप्त करना था, तो पहले तो ये मैंने आपको सारे स्टार्ट करवा दी है और बाकी जो इसके प्रश्न है उनको आप घर से ट्राई करना, आगे आइए बाकी जो प्रश्न है वो हम कल पढ़ेंगे। अभी देखो एक बच्चे ने मेरे को कमेंट बॉक्स के द्वारा ये पूछा था कि आप एक आपको मैं एक बार दोबारा से जो सहायक श्रेणी का एग्जाम है वो करके एक बार फिर से सिखाऊं, तो देखो इसमें मैं कोई भी प्रश्न लेकर के आपको सहायक श्रेणी होती है
उसको सिद्ध करना के बारे में आपको दोबारा से बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो कोई भी मेरे पास, मान लो ए ऑपरेशन बी मेरे पास आ रहा, मान लो ए बी प्लस ए का है और जहाँ पर ए बी किससे बिलोंग करे आपके आगे, ठीक है। अब देखो जब आप इसमें सहायक चरित्र की जांच करते हो, सहायक चरित्र की जांच, तो इसमें डायरेक्ट है कि आपको तो ए ऑपरेशन बी होता है और ऑपरेशन सी किसके बराबर आएगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, ये तीन पदों पर आपका लागू होता है। जब आप इसमें पहले इस बाएं पद का मान निकालते हैं माइनस का, यानी ए ऑपरेशन बी ऑल ऑपरेशन सी का मान निकालोगे, तो इसका मान जो आपको वहां से दिया गया है इसका लिखना कितना, ए बी प्लस ए ऑल ऑपरेशन सी। अब इसका ये देखिए, ए अलग वाला पद है, बी दूसरा पद है, दोनों में क्या काम हो रहा है, पहला और दूसरा दोनों गुणा हो रहे और साथ में एक जोड़ रहे हैं। अब देखो आप इन दोनों में लगा दीजिए, आपका पहला पद हो गया इतना बड़ा, ये दूसरा पद हो गया, नियम क्या कहता है दोनों को गुणा करके जोड़ना है, यानी आप क्या करेंगे ए बी प्लस ए को किससे गुणा करेंगे, सी से गुणा करेंगे, साथ में आपको एक जोड़ना है, तो आपका माना रहेगा ए बी सी प्लस सी प्लस बी, तो ये आपका सगा दाएं पक्ष का मान। इसी तरह अगर आप दाएं पक्ष का मान प्राप्त करते हो तो आ रहा है मेरे पास ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ए ऑपरेशन। अब देखो बी ऑपरेशन सी का जो मान है आपका, अब देखो ये देखा नहीं ये आपको, लेकिन इसके अनुसार बनाना, देखो जब आप बताए तो ए ऑपरेशन बी का मान ही होता है, अगर मैं यहाँ पर बी ऑपरेशन सी लिखूँ तो देखो इसके अनुसार दोनों गुणा होकर उसमें जुड़ रहेगा, तो ऐसे आपके दोनों गुणा के उसमें जब जगह जुड़ जाएगा तो आपका मान करेगा बी सी प्लस ए। अब आपको क्या करना है इनमें, देखो अपना दोनों में फिर से अपना रूल लगाना है, इसमें ए ऑपरेशन में बी सी प्लस ए में रूल कैसे लगाना है, रूल आपका देखो वही बन रहा है कि ये पहला पद ये दूसरा पद दोनों गुणा हो रहे हैं साथ में एक जुड़ रहे हैं, तो ये पहला पद हो गया ये दूसरा पद हो गया, तो पहले दोनों गुणा होंगे और साथ में एक जुड़ेगा, अब आपका मान आ गया ए बी सी प्लस ए प्लस ए। अब जो दोनों समान नहीं आ रहे ना, ये मान आपका अलग प्रकार से आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में साथ रहिए नहीं है। एक बच्चे ने मेरे को कमेंट बॉक्स के द्वारा ये बात पूछी थी कि सर आप साथ चलते हैं जाँच एक बार दोबारा चलाइए, तो मैं आपको बता चुका हूँ जो प्रश्न में आपका रूल बड़ा होगा उसी रूल को आपको आगे क्या करना है फॉलो करना है। तो प्यारे बच्चों ये तो आज हमने प्रश्नाली जो 7.2 पढ़ी है और 7.3 मैंने आपको शुरू करवाई है, इसको आप घर पे निकालना ट्राई करना, अगर कोई भी समस्या है किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखना कि अभी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे आपको नया वीडियो मिले आपको तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में मिल जाए आपको, तो सब्सक्राइब भी करना है और साथ में आपको बेल आइकन को भी अवश्य दबाना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।